रायपुर के जहां पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के उनके बैठक में कितनी स्क्रीनिंग हुई है ये देखना है। छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार में बैठी है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री के दौरे पर भी कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार के भरोसे चल रही है, बीजेपी में इतने लोग हैं तो जो मार्गदर्शन कर सकते हैं और बैठक ले सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की उनकी मीटिंग हो या कितने की स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद में क्या क्या होता है, जनता इंतजार में बैठी है। अगर अच्छा काम किया तो टिकट क्यों काटेंगे, बात तो वही है ना कि अगर मुखिया ने उस क्षेत्र में काम किया है, कहीं गड़बड़ी है तो सामने आ रही है सब। कांग्रेस पार्टी खाली दूसरों के घरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का काम कर रही है, अपने घर में आग लगी उसको बुझाने की कोशिश करें। अपने नेताओं के बारे में चिंता करें, वो पहले भाजपा का कार्यकर्ता है, हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी ये समझ ले। उनके पास नेता नहीं है, किसको बुलाएं बेचारे। गांधी परिवार के भरोसे पूरी दुकानदारी चल रही है। भाजपा में इतने लोग तो हैं जो बैठक ले सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। नेता तो है ना, छत्तीसगढ़ के नेता भी हैं, देश के नेता, वो भाजपा का कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने नेता को संबल देने के लिए तैयार बैठा रहता है।